होली त्यौहार के साथ अगर कोई नाम जुड़ा है ना, तो वो है गुजिया, गुलाल, ठंडई, मालपुआ। इन सब चीज़ों के बिना ना होली अधूरी है। तो आज मैं बना रही हूँ गुजिया। अगर आपने अभी तक गुजिया नहीं बनाया है ना, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप एकदम परफेक्ट गुजिया घर पर बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस गुजिया की रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम मैदा। गुजिया जो है ना, मैदे में ही बनाया जाता है। अब इसमें डाल दें मोयन। तो मैंने ये लिया है देसी घी, आधा कप से थोड़ा सा कम देसी घी मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी आधा कप में एक दो चम्मच आप देसी घी निकाल दें, उतना देसी घी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। देसी घी डालने से क्या है ना कि ये जो गुजिया है एकदम खस्ता बनकर तैयार होगा। घी डालने के बाद इसको आप दोनों हाथ से मसलते हुए ना अच्छे से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स करने के बाद ना इसमें नॉर्मल पानी डालते हुए, जिस तरीके का हम पूड़ी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, वैसा ही आटा हमने तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और पूड़ी जैसा आटा तैयार कर लें। देखिए एकदम चिकना आटा हमने तैयार करना है, तो थोड़ा समय आपको लगेगा इसको गूंथने में। देखिए चलिए अब इस आटे को ढककर एक साइड रख दें और इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम खोआ यानी कि मावा। ये मार्केट का है, आप जहाँ से भी ये सब चीज़ें खरीदें ना, अच्छी दुकान से ख़रीदें, क्योंकि इसमें क्या है मिलावट बहुत होता है। तो किसी अच्छी दुकान से ही मावा यानी कि खोआ का इस्तेमाल आप करें। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हमने 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है इस तरीके से। अब ये अच्छे से मैंने भून लिया है, गैस का फ्लेम बंद करें और इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर एक साइड रख दें। अब वापस से उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप सूजी, मोटी या बारीक कोई भी सूजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल दें 1 छोटा चम्मच देसी घी। सूजी को भी ना हम 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे। देखिए अगर आप सिर्फ खोए का गुजिया बनाना चाहते हैं ना, तो आप सूजी का इस्तेमाल नहीं करें, आप अवॉइड कर सकते हैं। सूजी को अच्छे से भूनने के बाद ना इसमें डाल दें ड्राई फ्रूट्स, वो आप अपना मनपसंद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है 5 से 6 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल और उतना ही किशमिश। इसे डालकर 2-3 मिनट के लिए चला लेंगे। वैसे तो आप चाहे ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है गुजिया में। अब इसमें डाल दें इलायची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दें और इसी के साथ 2 से 3 चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स डाल दें। खसखस को ना डालने से पहले आप 2 मिनट धीमी आंच पर भून लें, उसके बाद इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसको भी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो हमने मावा भून के रखा था ना, उसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ड्राई फ्रूट्स आप अपना मनपसंद कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैरायटी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें चीनी डाल दें, नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में डालकर आप पीस लें और जितना मीठा आपको पसंद हो ना, उतना मीठा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्के गर्म में डालने से क्या है ना कि चीनी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो इसे हल्का जब ये गर्म हो ना, तभी इसमें चीनी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा टेस्ट कर लें। अगर मीठा कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। बस अब इस आटे से ना छोटी छोटी लोइयां बना लें, जिस तरीके से हम पूड़ी के लिए लोई काटते हैं ना, उसी तरीके का लोई आप तैयार कर लें। बस बेल लें, बहुत ही हल्का सा आटा हमने लगाना है और इसको पतला बेल लेना है, बहुत मोटा नहीं बेलना है। देखिए जो मार्केट का गुजिया होता है ना, वो बहुत ही उसका लेयर जो होता है ना मोटा होता है, लेकिन जब हम घर पर बनाते हैं ना तो उसको पतला बेलते हैं। इसका जो स्वाद है ना, मार्केट जैसा नहीं होगा, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसे हम बहुत पतला बेल के बनाते हैं इस तरीके से। तो चलिए आपको मैं भर के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से गुजिया का साँचा लें, साँचे में ना हल्का सा ऑयल या घी आप ज़रूर लगाएं। बेला हुआ जो ये हमने पूड़ी है ना, इसके ऊपर रखें और अब इसमें 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डाल दें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो स्टफिंग है ना, वो किनारों पर नहीं लगना चाहिए। अगर आपका स्टफिंग ये ज़रा भी किनारों पर लग गया ना, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो वो फट जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से भरें, जल्दबाजी में ना करें।
देखिए बस हल्का सा पानी लगाकर इसे बंद कर लें। गुजिया बनाने में ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है, इसलिए इसमें समय लगता है। बस इसी तरीके से सारा जो गुजिया है बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक ट्रे के ऊपर इसको रखते जाएं और कपड़े से आप ढक दें ताकि ये सूखे नहीं। तो एक और भर के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से भरना है। पहले पानी लगा लेते हैं, या पहले आप स्टफिंग रख लें फिर उसके बाद पानी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच में स्टफिंग डालें 2 से 3 चम्मच, बहुत कम कम भी ना भरें, क्योंकि फ्राई होने के बाद क्या है ना, ये अंदर से खाली सा लगेगा, तो इसलिए 2.5 चम्मच के करीब आप इसमें आराम से भर सकते हैं। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें, किनारों पर ना बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए ये मिक्सचर, नहीं तो फट जाएगा फ्राई होने में। बस दबाएं और एक्स्ट्रा जो आटा है उसे निकाल लें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप एक बार में सारी ये पूड़ियाँ बेल लें और उसके बाद फटाफट भरते जाएं अगर आप अकेले बना रहे हैं। तो सारा मैंने ये भरकर तैयार कर लिया है गुजिया। गुजिया को आप ढक कर रखें और इसको हल्के गरम तेल में यानी मीडियम हॉट ऑयल में हमने फ्राई करना है। जितना पैन में आ जाए उतना आप डाल दें, और डालने के तुरंत बाद ही ना इसे हम पलट देंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो क्या है ना कि एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। तुरंत पलटने से क्या है, आप इसको बड़ी आसानी से पलट सकते हैं। बस मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है, गैस का फ्लेम कम ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसमें करीब 5 से 6 मिनट या 6.5 मिनट का समय आपको लग सकता है एकदम परफेक्ट फ्राई होने में। जब इस तरीके का दिखने लगे ना तब आप इसे बाहर निकाल लें, और मेरी बात मानिए, आप टाइमर लगा लें, गैस का फ्लेम मीडियम पर करें और गुजिया इसमें जितना पैन में आ जाए उतना डालें, और 5 से 6 मिनट जैसे ही हो जाए आप गुजिया को बाहर निकाल लें, एकदम परफेक्ट फ्राइड गुजिया तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये वाला बैच तो फ्राई हो गया है, दूसरा बैच भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे ही रखना है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, और गुजिया जितना आ जाए उतना डालें। डालने के बाद तुरंत ही इसे हमने पलट देना है। देखिए एक्स्ट्रा जो गुजिया हमने रखा है ना ट्रे में, उसको आप ढक कर ही रखें। गुजिया भरने के बाद अगर थोड़ा बहुत आटा बच जाता है ना, तो उसको आप पतले पतले काट कर फ्राई कर लें, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा नमक मिर्च चाट मसाला वगैरह लगा दें, वो आपका नमक पारे बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसे भी फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है, तो अब इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, इतना परफेक्ट है कि अगर आप पहली बार भी बनाएंगे ना, तो एकदम परफेक्ट गुजिया आप घर पर बना सकते हैं। आपको लगेगा कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो बस ये वाला बैच फ्राई हो गया है, इसी तरीके से सारा जो गुजिया है फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इसको क्या है ना, हमने एयर टाइट कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमने इसे फ्रिज में रखना है, बाहर ही आप इसे हफ्ते दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। देखिए तोड़ के भी मैंने दिखा दिया ना, अंदर से एकदम भरा हुआ गुजिया, खस्ता गुजिया बनकर तैयार हो चुका है। खाने में तो इतना लाजवाब है ना, जब आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।